नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक तेजपुर विश्वविद्यालय NIS स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है डॉक्टर सुभाष चंद्र रॉय, प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय नेरी NCERT शिलोंग में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। और आज प्रोफेसर रॉय हमारे साथ विभिन्न प्रश्नों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर रॉय का स्वागत करता हूं और प्रोफेसर रॉय से निवेदन करता हूं कि हमें बताएं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर प्रकाश डालें। प्रोफेसर रॉय, धन्यवाद हितेश जी। पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, विद्यालय में या विश्वविद्यालय में भी, महाविद्यालय में भी प्रश्नों की बहुत महत्ता है। प्रश्न बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रश्न का संबंध मूल्यांकन से है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो किसी न किसी रूप में हम प्रश्न पूछते हैं, और मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्था है जो शिक्षण अधिगम के साथ चलती रहती है। और शिक्षण अधिगम के साथ चलने वाली वह ऐसी क्रिया है जो न केवल हमें यह बताती है कि आप कहाँ तक पहुँचे, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में भी वो मदद करती है। तो मूल्यांकन के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, वह प्रश्न ही है। ये प्रश्न अपने आप में न केवल शिक्षण में मदद करते हैं, बल्कि मूल्यांकन में भी मदद करते हैं। इसलिए प्रश्न बहुत आवश्यक हैं, और ये प्रश्न कई प्रकार के होते हैं और कई खूबियों लिए होते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समझना, उनकी उपयोगिता को समझना, उनके उद्देश्य को समझना बहुत ही आवश्यक है, एक शिक्षक के लिए, एक छात्र के लिए भी, क्योंकि प्रश्न के हल ढूंढते ढूंढते सीखने का निर्माण हो जाता है। इसलिए प्रश्न मस्तिष्क में, प्रश्न की संस्कृति बनने से व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाता है। इसलिए प्रश्न बहुत ही आवश्यक है शिक्षण अधिगम की क्रिया में, विद्यालयी क्रिया में, शैक्षिक क्रिया में। और ये प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, कई तरह के प्रश्न होते हैं। अमूमन हम प्रश्नवाचक चिन्ह जिस वाक्य के अंत में होता है उसे प्रश्न मानते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसी चीज़ है जिसे पूछने पर सामने वाला किसी न किसी रूप में जवाब देने के लिए बाध्य हो जाता है, जवाब देता है। और जब प्रश्न जवाब के रूप में हमारे सामने आता है तो वह संवाद हमारे सामने में आता है, वह ज्ञान और अनुभव हमारे सामने में आता है, और फिर हम वहाँ से सीखना शुरू करते हैं, अपने सीखने को मजबूत करना शुरू करते हैं, और ज्ञान का एक दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। तो प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, और हर प्रश्न का अपना एक उद्देश्य होता है। प्रोफेसर राय, आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर। जैसा कि आज हमारा शीर्षक है कि विभिन्न प्रश्नों के पदों का निर्माण करना, लेकिन उस पे जाने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की पूछने की आवश्यकता क्या है, क्यों विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ही तरह के प्रश्न से प्रश्न पत्र क्यों नहीं बन जाता, या एक ही तरह के प्रश्न पूछे जाने से ही हमारा उद्देश्य प्राप्त क्यों नहीं हो जाता, अलग अलग तरह के प्रश्नों की आवश्यकता क्या है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जब हम बच्चे को सिखाते हैं विद्यालय में या हम भी सीखते हैं, तो यह सीखना हमारे अंदर में कई स्तर पे होता है, और विभिन्न स्तरों पे जाकर के यह अटक जाता है, यह स्थापित हो जाता है, और अलग अलग जगहों से उस सीख को, सीखी हुई चीज़ को पता करने के लिए अलग अलग चम्मच, टूल या प्रश्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसीलिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो गंभीर जानकारी को लेते हैं,
मनुष्य के अंदर की जानकारी को लेते हैं, कुछ प्रश्न सरल होते हैं जिसमें सामान्य जानकारी निकल करके आती है। तो ये जो समझ और सीख मनुष्य सीखता है, बच्चा सीखता है, वह किस स्तर पर उसका ज्ञान बना है, उसकी समझ बनी है, उसको निकालने के लिए, उसको समझने के लिए प्रश्न के प्रकार भी अलग अलग से बनाए जाते हैं। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि क्यों हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे ले जा करके बताना चाहूँगा कि जैसे किसी बच्चे ने बस मात्र जानकारी ली है, कुछ सूचनाओं को संग्रह किया है, कुछ चीज़ों को याद करके अपने याददाश्त के बल पे रखा है, इस तरह की जानकारी के लिए एक अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन उस जानकारी को उस बच्चा ने अच्छी तरह से समझा है या नहीं, इस जानकारी को लेने के लिए, उस समझ की जानकारी लेने के लिए एक दूसरे तरह के प्रश्न की आवश्यकता होगी। पहले वाले प्रश्न से वह समझ की जानकारी नहीं आएगी। इसीलिए व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान, समझ इत्यादि का जो स्तर है, और समझ के भी कई स्तर होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के समझ के स्तरों, ज्ञान के स्तरों तक पहुंचने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। प्रोफेसर राय, आपने अच्छी तरह से बताया हमें कि विभिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, लेकिन जो हमने अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखे, तो क्या मोटे मोटे तौर पर हम इन्हें कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, या खास खास अगर समूह बनाना चाहें तो प्रश्नों के किन किन भागों में या किन किन अलग अलग समूह में हम प्रश्नों को विभाजित कर सकते हैं, कि खास खास तरह का प्रश्न को किस तरह के रहेंगे, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। बहुत बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है आपका। अमूमन जो हम अपने विद्यालय में प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं उनके प्रकार ऐसे हैं। एक तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर काफ़ी लंबा हम अपेक्षा करते हैं कि लंबा उत्तर मिलेगा, कई पन्नों में, बहुत सारी पंक्तियों में बच्चे उसका उत्तर देंगे। ऐसे प्रश्नों को निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्न जी, लॉन्ग एंसर्ड क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं ऐसे प्रश्नों को। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके उत्तर संक्षेप में, कम शब्दों में दिए जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें एक या दो शब्द डालकर ही काम चल जाता है, और इसको फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न कहते हैं। कुछ प्रश्नों में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, या उसी में से उतारना होता है, जिसको हम मैचिंग टाइप लकीर खींच करके मिलान करते हैं, मिलान वाले प्रश्न होते हैं। मैच द कॉलम जैसे नाम। हाँ, मैच द कॉलम, ये इसमें मिलान करने की ज़रूरत होती है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें सिर्फ टिक लगाना होता है, और उसको गलत या सही वाले प्रश्न होते हैं, वहाँ पर स्टेटमेंट दिए होते हैं, प्रश्न दिए होते हैं, कथन दिया होता है, और उसके सामने टिक या क्रॉस लगाना होता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यूँ कहें कि वह बहुविकल्पीय प्रश्न, एक प्रश्न के कई वैकल्पिक उत्तर दिए हुए होते हैं, और जो लगभग लगभग समान ही दिखते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक उत्तर सही होता है, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। ये ऐसे प्रश्न होते हैं। तो इस तरह के इस सारे प्रश्न हम अपने विद्यालय में देखते हैं, पाठ्यपुस्तकों में देखते हैं, और हम अपनी परीक्षाओं में देखते हैं। इसका जो एक बड़ा उद्देश्य होता है कि सभी प्रश्न पूरे विद्यालय के समस्त उद्देश्यों को, शिक्षाई उद्देश्यों को, या वर्ग के समस्त शिक्षाई उद्देश्यों को,
और पूरे पूरे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को समेटने के लिए कोई एक प्रकार का प्रश्न अपने आप में पूर्ण भी नहीं हो सकता। इसलिए भी हम प्रश्नों के कई प्रकार पर सोचते हैं और उन्हें प्रश्न पत्र में डालने की कोशिश करते हैं, ताकि अधिक से अधिक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकें और अधिक से अधिक पाठ्यक्रम के हिस्से को कवर किया जा सके। प्रोफेसर रॉय, आपने हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न इसमें बताए। आपने थोड़ा हमें बताया कि निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि जिसमें विद्यार्थियों को काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है जी, या लंबे जो रहते हैं लिखने में, कई पेजेस में लिख सकते हैं जी, लेकिन इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए कि किन प्रश्नों को हम निबंधात्मक प्रश्न कहेंगे और उस समूह में रखेंगे कि जिन्हें ऐसे टाइप या निबंधात्मक कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, कि इसमें अमूमन हम तीन तरह के प्रश्नों, क्या, क्यों, कैसे, ये शब्द लगा करके हम प्रश्न पूछते हैं और जिसमें अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक हमको जानकारी बच्चों द्वारा मिले। और इसमें हम बच्चों की कई प्रतिभाओं, कई तरह की प्रतिभाओं का आकलन भी देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, न केवल सूचना बच्चों ने क्या सीखा और कितनी सूचना बच्चों ने ली, प्राप्त करी है, जानकारी प्राप्त करी है, ना केवल उसकी ये परीक्षा होती है इसमें, बल्कि इसमें हम यह भी पता करते हैं कि बच्चों की लेखन शैली कैसी है, उसका लिखने का स्पीड कैसा है, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, उसमें कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी उसमें रचनात्मकता है, कितनी कल्पना परिकल्पना है, कितनी दूर तक वह सोच सकता है, किस तरह से चीज़ों को वह अरेंज कर सकता है एक के बाद दूसरे, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ऊपर से नीचे तक चीज़ों को वह अरेंज कर सकता है। हम यह भी ऐसे प्रश्न में देखते हैं कि कैसे वह शब्दों का चयन कर सकता है, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन कर सकता है, उसकी भाषा पर उसका कितना अधिकार है। और हम यह भी देखते हैं कि लिखते समय वह कैसे विश्लेषण करके, फिर वह संश्लेषण करके, फिर कैसे मूल्यांकन करके वह अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलता है, उदाहरण देते हुए आगे चलता है, और वह अपनी पूरी बात विस्तार से कलात्मक ढंग से लिखता है। यह निबंधात्मक प्रश्न में ही संभव है, जहाँ पर छात्र या व्यक्ति अपनी पूरी कला, अपनी सारी जानकारी को अच्छे से अच्छे रूप में वहाँ प्रस्तुत कर सकता है। और यह तब संभव है जब हम क्यों और कैसे वाले प्रश्न ज़्यादा पूछें। क्या वाले प्रश्न पूछने से सिर्फ जानकारी हासिल होगी, क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछने से जो जवाब आएगा, उस जवाब में हमें ज़्यादा उनकी तार्किक और उनके अंदर की प्रतिभा दिखाई देगी। जी हाँ, आपने काफ़ी अच्छी तरह से हमें बताया कि किस तरह से निबंधात्मक प्रश्नों में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े रहते हैं, वर्णन करने वाले हैं, क्यों और कैसे वाले प्रश्न हैं जिसमें कि व्याख्या करनी पड़ती है, हम उन्हें निबंधात्मक प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रोफेसर राय, निबंधात्मक प्रश्नों के बाद आपने अलग तरह के एक प्रश्न हमें बताए जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का क्या महत्व है, ये हमें क्यों पूछे जाते हैं परीक्षा में? लघु उत्तरीय प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जब हमें आवश्यकता होती है कि हम यह समझें कि बच्चों ने अवधारणा को सीखा या नहीं सीखा, बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट की परिभाषा है या नहीं है। इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें जिसमें संक्षेप में वह स्पष्ट कर सके अपने ज्ञान, अपनी सीखी हुई चीज़ को एक परिभाषा के रूप में, कुछ बिंदु के रूप में, अपनी समझ को दो चार पंक्तियों में व्यक्त कर सके, कुछ शब्द में व्यक्त कर सके, ऐसे चीज़ों को लाने के लिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं। इसका जो सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम चूँकि यह कम शब्दों में दे जाने वाले प्रश्नोत्तर होते हैं और कम समय लगता है इसमें, तो हम अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि अधिक से अधिक सिलेबस का हिस्सा, पाठ्यक्रम का हिस्सा हम कवर कर सकते हैं प्रश्न पूछते समय। और यह उचित भी है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम प्रश्न बनाते हैं
तो हम कोशिश करते हैं कि पाठ्यक्रम के पूरे हिस्से से प्रश्न बने, ताकि बच्चे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से तैयार हो करके परीक्षा दें और अपना जवाब लिखें। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमें ये आज़ादी देती है कि हम पाठ्यक्रम के हर हिस्से को छू सकें, जो कि निबंधात्मक प्रश्न में वो आज़ादी नहीं रह जाती है, क्योंकि वो प्रश्न बड़े होते हैं और कुछ ही चैप्टर्स में वो सिमट के रह जाते हैं। जी हाँ प्रोफेसर राय, आपने बहुत अच्छा बताया। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में तो हम परिभाषा ले सकते हैं, जो कि निबंधात्मक प्रश्नों से अलग है, या किसी भी संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हम 30 शब्दों 40 शब्दों में लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं विद्यार्थियों से। कुछ पंक्तियों में भी विद्यार्थी दे सकते हैं उनके उत्तर, तो और इनके कुछ अंक भी प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे कि एक शब्द में उत्तर दो, या दो शब्दों में उत्तर दीजिए, या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, जो कि लघु प्रश्न है या कहें अति लघु प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का क्या महत्व है, और ऐसे प्रश्न जिनमें एक शब्द में उत्तर चाहा गया है उनकी क्या आवश्यकता है? जी, ऐसे प्रश्नों का क्या महत्व है? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हम एक या दो शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्रश्न वो होते हैं जो प्रायः रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इस तरह के एक प्रश्न पाठ्यपुस्तक के अभ्यास के हिस्से में रहता है, और शिक्षक भी अमूमन वर्ग में देते हैं, और कहीं से भी हम परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का क्या महत्व है? इस प्रश्न में दो तरह के प्रश्न देखे गए हैं। एक तो जहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है और उसमें एक रिक्त स्थान है, जहाँ पर आपको वह शब्द को लाके अपने मन से भरना है, वह शब्द आपको दिया हुआ नहीं है और छात्र उसे सोच करके अपने मस्तिष्क से अपने मन के हिसाब से उसमें भरते हैं जो उन्हें सही लगता है। और एक दूसरा प्रकार का रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है और अंत में एक ब्रैकेट के अंदर उसके वैकल्पिक उत्तर भी दिए हुए हैं, एक या दो, एक सही एक गलत, या एक सही दो तीन गलत, और उसमें से चुन करके सही उत्तर को लाके इसमें भरना होता है। ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से इसको कहते हैं रिकॉल एवं रिकॉग्निशन के प्रश्न। रिकॉल का प्रश्न है जब खाली स्थान है और कोई सहायक शब्द नहीं दिया हुआ है, और बच्चा अपने मस्तिष्क से सोच करके अपनी याददाश्त से ढूंढ करके सही शब्द लाके उसमें भरता है, तो यह रिकॉल के प्रश्न हो गए। और जब वहाँ पे एक दो शब्द तीन शब्द दिए हुए हैं सहायता के लिए और उसमें से सही शब्द को चुनना है, तो ये रिकॉग्निशन वाले प्रश्न हुए। तो ऐसे प्रश्नों को हम रिकॉल एवं रिकॉग्निशन के प्रश्न कहते हैं। सर, बहुत अच्छा बताया आपने रिकॉल और रिकॉग्निशन। लेकिन जब हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो एक अन्य तरह के प्रश्न भी हमारे दिमाग में आते हैं, जिन्हें कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कि उत्तर चार उत्तर हमारे सामने रहते हैं, कहीं पे पांच उत्तर भी रहते हैं, उनमें से एक चुनना रहता है। तो इस तरह के रिकॉग्निशन करने वाले प्रश्नों की क्या आवश्यकता है, इनका क्या महत्व है, इन्हें कहाँ हम प्रयोग करेंगे, इस पर कुछ प्रकाश डालिए, जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय जहाँ पर एक प्रश्न के जवाब के रूप में कई विकल्प दिए हुए रहते हैं, अमूमन चार विकल्प दिए रहते हैं, जिसमें से एक सही रहता है, बाकी तीन सही नहीं होते लेकिन सही विकल्प की तरह ही दिखते हैं। ये बहुत ही चुनौती भरा प्रश्न होता है, और आजकल प्रत्येक परीक्षा का यह एक अभिन्न हिस्सा है, खास करके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का यह हिस्सा है, और इसे एक उच्च स्तरीय प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। इसका वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक महत्व है। इसका वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक महत्व यह है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे की मानसिक
शक्ति, मानसिक मेधा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी वैचारिक थिंकिंग, उसकी सोचने समझने विचारने विश्लेषण करने, उसके सिंथेसिस करने, उसके इवैल्यूएशन की क्षमता को यह वह मापती है। और इसमें तमाम वह बौद्धिक एक्सरसाइज बच्चों के मस्तिष्क में होता है, वो तमाम मानसिक रूप से उसके अंदर वो स्फूर्ति और वो निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित होती है, जो अंत में सही विकल्प के चुनाव के रूप में दिखाई देता है और वह सही विकल्प को चुनता है। इसलिए ऐसे विकल्प वाले क्वेश्चन, बहुविकल्प वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन माना जाता है। इसकी दूसरी बड़ी खास बात यह भी है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने में, पूरे पाठ्यपुस्तक को कवर करने में भी आसानी होती है। इसके दो फायदे हैं, बच्चों को प्रश्न के हल करते समय उसकी तमाम मानसिक शक्तियों का उपयोग हो जाता है, उसके तमाम अनुभवों का, और अंत में उसके अंदर कितने निर्णय लेने की क्षमता है, उसके अंदर कितने विश्लेषण करने की क्षमता है, उसके अंदर कितने समानता और असमानता के आधार पर भेद करने की क्षमता है, उसके अंदर कितना रिजेक्ट करने की और एक्सेप्ट करने की क्षमता है, और उसके अंदर क्या लॉजिकल थिंकिंग है, उसके अंदर रीजनिंग पावर कितना है, ये तमाम चीज़ें इतने महत्व की उसमें दिखाई देती है और उसका उपयोग होता है। इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क की इतनी कसरत हो जाती है, मुझे लगता है कि एक तरह से यह उसकी पढ़ाई का हिस्सा ही हो जाता है। ये बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया हमें कि किस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस बहुविकल्पीय प्रश्नों का मुझे तो एक और लाभ यहाँ पर दिख रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का मूल्यांकन करने में आसानी होती है। हम निबंधात्मक प्रश्न की जांच करना, मेरे शिक्षक साथी मुझसे सहमत होंगे कि वो कठिन कार्य है क्योंकि उसमें अधिक समय लगता है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न आजकल तो एक मशीन भी आ गई है, प्रशासनिक स्तर पर भी यह एक सुविधाजनक व्यवस्था है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि एक OMR मशीन आती है जो कि तुरंत परिणाम देती जी, है जी, जी, कई सारों का। तो इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी अनुकूल है, उपयोगी है। इसका शिक्षाई महत्व जो हो, इस या मूल्यांकन बच्चों को के बढ़ने में, आगे बढ़ने में जितना मदद करे, इसके साथ साथ इस प्रबंधन के स्तर पर भी इस तरह के मूल्यांकन की कुछ खासियत है, कुछ लाभ है। जी हाँ, तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा शिक्षकों का कुछ बोझ कम कर सकते हैं, यदि जांच करने का, जो बहुत सारी कॉपियां जांच करने का, बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी हम रिजल्ट आउट कर देते हैं, लार्ज स्केल पर ली गई परीक्षाओं का रिजल्ट भी हम आउट कर देते हैं आसानी से, जल्दी मशीन के द्वारा, यह बिल्कुल इसमें संभव है। जी यहाँ पर आपने हमें कई विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में बताया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रश्न के पदों का निर्माण कैसे करते हैं। प्रश्न के पदों का निर्माण दो तरीके से हम करते हैं। एक तो सामान्य प्रश्न बनाने के लिए हम बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं अपनाते, हम प्रश्न बनाते हैं इस तरह के, अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, खास करके जब हम क्लास टेस्ट लेते हैं, जब हम कोई सामान्य टेस्ट लेते हैं, जब हम कोई साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, दैनिक टेस्ट लेते हैं, तो ऐसे समय में हम इन प्रश्नों के लिए ज़्यादा सोचते नहीं, अपने अनुभव और अपने स्किल के आधार पे, अपने कौशल के आधार पे इन प्रश्नों का निर्माण कर देते हैं एक शिक्षक के रूप में। लेकिन जब हम छमाही या त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक या कोई और बड़े पैमाने पे परीक्षा का आयोजन करते हैं, तब उसके लिए जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हम उसके लिए विशेष तैयारी के साथ प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न बनाने की प्रक्रिया एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है, या बिल्कुल टेक्निकल प्रक्रिया है इसका निर्माण करना। और दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कि इसका मानकीकरण करना, इसको स्टैंडर्डाइज करना जी। तो बनाना एक सैद्धांतिक है, यह विशेष सिद्धांत पर आधारित है, और
इसका मानकीकरण करना भी एक टेक्निकल प्रक्रिया है और तब उसके बाद हम इसको उपयोग में लाते हैं। आपने सही कहा कि इसका जो निर्माण की प्रक्रिया है वो एक सिद्धांत विशेष पर निर्भर करता है। चीज़ें बदल रही हैं, अब हमारे देश में भी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जो हमारी परंपरा रही है उस परंपरा के हिसाब से हम क्या करते हैं कि इसको ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी के आधार पर ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चौकोर पन्ना होता है जिसमें एक टेबल होता है। ब्लूप्रिंट एक टेबल है, एक टेबलर फॉर्म में एक हम शीट तैयार करते हैं जिसमें हम अपने लक्ष्य के हिसाब से और प्रश्न के प्रकार के हिसाब से और उनके वेटेज के हिसाब से तीन चीज़ें उसमें परिलक्षित होती हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या मापने जा रहे हैं, प्रश्न के प्रकार क्या होंगे, क्या हैं, और प्रश्नों के और लक्ष्य के हिसाब से प्रश्नों के वेटेज क्या है। ये तीन चीज़ें उसमें हम परिलक्षित करते हैं। मुख्य रूप से जो हमारी पुरानी परंपरा रही है ब्लूप्रिंट के निर्माण के लिए, उसमें हम चार प्रकार के लक्ष्य को रखते हैं, जिसमें है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। ये चार, जिसमें नॉलेज जानकारी हम का पता करते हैं प्रश्न के द्वारा, इन प्रश्नों के द्वारा जानकारी एक एरिया एक क्षेत्र है जहाँ जिसको हम पता करते हैं, उस समझ की बात भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा समझा, जानकारी तो है लेकिन समझ कितनी है, और तीसरा ये अपने समझ को अपने जीवन में व्यवहार में अप्लाई कर सकता है कि नहीं, कर पा रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, इसको भी देखते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, और कुछ कौशल उसके अंदर है या नहीं, ऐसे कौशल वाले प्रश्न भी होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि निबंधात्मक प्रश्न, बहुविकल्पीय बहुउत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थान, मैचिंग, ट्रू फॉल्स इत्यादि रिकॉग्निशन एंड रिकॉल वाले प्रश्न होते हैं, और फिर रीजनिंग वाले प्रश्न होते हैं, या ये सारे प्रश्नों के टाइप दिए रहते हैं और किस प्रश्न को कितना वेटेज हो इसको उसमें हम सजाते हैं, इसी का नाम है ब्लूप्रिंट। एक बार जब यह तैयार हो जाता है संतुलित रूप से, तब इसके हिसाब से हम प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। तब जो प्रश्न बनता है वह एक तरह से बिल्कुल संतुलित प्रश्न, प्रश्नों की सूची होती है, प्रश्नावली होती है, और वैसे प्रश्न से उम्मीद की जाती है कि हम एक संतुलित परीक्षा का संचालन कर रहे हैं, और जो बच्चों का जवाब आएगा उससे हम एक संतुलित व्यक्तित्व के विकास में हम कारगर हुए या नहीं हुए इसकी जानकारी हमको पोख्ता मिल पाएगी। यह एक पक्ष है निर्माण का। दूसरा पक्ष है इसके मानकीकरण का। जब हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बनते हैं विशेषज्ञों द्वारा, और हम शिक्षक को भी विशेषज्ञ ही मानते हैं। तो शिक्षक विषयवार शिक्षक जो होते हैं वह शिक्षक प्रश्न बनाते हैं। वह शिक्षक कोई भी हो सकते हैं, विद्यालय के शिक्षक हो सकते हैं, महाविद्यालय के शिक्षक हो सकते हैं, कॉलेज के शिक्षक, यूनिवर्सिटी के शिक्षक हो सकते हैं। इसके विषय विशेषज्ञ जो हैं शिक्षक, उनके द्वारा प्रश्न बनता है। इन प्रश्नों को एक एक बोर्ड दूसरे विशेषज्ञ के बोर्ड द्वारा इनको फिर देखा जाता है, इनको समझा जाता है, इन पर एक एक्सपर्ट कमेटी बैठ करके इन प्रश्नों को बारीकी से समझा, और इसमें थोड़ा सा यदि संशोधन की ज़रूरत है तो संशोधन कर लिया जाता है, और इस प्रकार से संशोधन करने के बाद इन प्रश्नों को पहले हम कुछ बच्चों पर ट्राई आउट करते हैं, उसी प्रकार के बच्चों पर जिनकी जिन पर परीक्षा होनी है उस पर हम ट्राई आउट करते हैं, और ट्राई आउट करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट के ऊपर वाले सबसे अधिक अंक पाने वाले एक तिहाई बच्चों की कॉपी को अलग कर देते हैं, और एक तिहाई सबसे नीचे वाले बच्चों की कॉपी को अलग करके बीच में जो हिस्सा बचता है उस कॉपी को फिर से हम देखते हैं, उस प्रश्न को देखते हैं, उसके प्रश्न उसकी गलती के हिसाब से प्रश्न के
उत्तर इत्यादि के हिसाब से उसमें फिर परिमार्जन करके पूरी तरह से उसको स्टैटिस्टिकली मापते हैं, इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी इत्यादि को मापते हैं और तब जा कर के उस प्रश्न को हम बाज़ार में उपलब्ध करा देते हैं कि यह एक मानक प्रश्न है, अब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ परीक्षाओं में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट ना हो, बहुत सारे प्रश्न बच्चों के कोर्स के बाहर के ना हो, इत्यादि व्यावहारिक दिक्कतों को भी ध्यान में रख करके प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम इन तमाम बातों का ध्यान रखते हैं। साथियों, आज हमने प्रोफेसर रॉय को सुना। प्रोफेसर रॉय को धन्यवाद देने के साथ साथ मैं अपने सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा हमें ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक हमारी चर्चा को सुनने के लिए, तथा मैं यहीं से आपको विदा लेना चाहूँगा। अगले चर्चा में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।